प्रशांत जी नमस्ते। जरा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक क्लियर कीजिए। सर ये इस बार एक्सपायरी 27 और 28 दोनों की है, तो जरा बताइएगा सर कैसे करना है। जी रिम्पी जी, गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात करेंगे, हम करीबन मान के चलेंगे 22100, जस्ट नीचे 22100 पे क्लोज हुए थे शुक्रवार के दिन, और हम आज ओपन हुए नीचे, बट हम आज हाई बना पाए सिर्फ 22070 के आसपास, यानी जो क्लोजिंग थी वो रेजिस्ट हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई लॉन्ग रखने होंगे। इनफैक्ट अगर थोड़ा और हायर जोन गया, अभी हम 22050 पे चल रहे हैं, ये प्योरली एक एक्सपायरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अभी एक डिप आ सकती है। तो अगर फिर से निफ्टी 22070-75 स्पॉट जो हाई बना हुआ था उसके आसपास आए, तो मेरे हिसाब से 22175 स्पॉट की स्टॉप लॉस, यानी 100 पॉइंट की रिस्क करके आपको शॉर्ट का एक मौका मिल सकता है, और यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट वन होगा 21800, टारगेट टू होगा 21700 तक। और मुझे लग रहा है ये जोन फिर से एक बार अगले दो दिनों में रिटेस्ट हो सकते हैं, और वहां से किस तरह का बाउंस है वो नेक्स्ट मूव जो अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव आए तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक थोड़ी डीप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसको आप थोड़े रैली पे यानी 22070-75 के आसपास एक रिस्क बेस्ड 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो, और जो डाउनसाइड टारगेट्स मैंने कहे, जो सपोर्ट्स है वहां पे आने पे पहली बात तो शॉर्ट्स बुक कर लीजिए, और अगर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस है, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम लॉन्ग ट्रेड कैसे प्लान करें। तो फिलहाल मुझे लग रहा है इंडेक्स में एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसको एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम ट्रेड कर सकते हैं थोड़ी रैली आने पे। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी जाएंगे। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो एक लेवल जो मैं बार बार ट्रैक कर रहा था पोजिशनली वो था 47,250, 47,250 स्पॉट, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 46,850-870, यानी 46,850-870 का जोन, दोनों ही लेवल स्ट्रांगली होल्ड नहीं हुए। हालांकि शुक्रवार को जस्ट उस वहां पे पिन पॉइंट क्लोजिंग हुई, बस हमने अगर देखे तो 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया था, हम उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे, तो और एक गैप रेजिस्टेंस भी वहां पे क्लियर कट बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी का पुल बैक जो है वो अभी तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं इस इंडेक्स को सिर्फ वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखूंगा, यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। मेजर लेवल्स क्या है, तो मेजर लेवल जैसे मैंने कहा ऊपरी लेवल सबसे अहम लॉन्ग जाने के लिए पोजिशनली होगा 47,250 के ऊपर क्लोज स्पॉट में, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 46,850 एक रेजिस्टेंस है हार्डली 100 पॉइंट ऊपर, सपोर्ट क्या है सो 46,400, 46,200, ये दो सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए है। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बट डेफिनेटली आप वॉच लिस्ट पे रखिए जिस साइड पे डायरेक्शन मिले, और स्पेशली अगर अप्रैल के महीने में 47,250 स्पॉट के ऊपर क्लोज मिले तो मुझे लग रहा है पूरा ध्यान बैंक निफ्टी में ही होना चाहिए। आज इंश्योरेंसेस कंपनीज का दिन ठीक है, HDFC लाइफ गैप के साथ खुला, ICICI प्रू उसके बाद चला, इसके अंदर वॉल्यूम बिल्डअप ठीक है, टिपिकली एक्सपायरी का शेयर हो चुका है, ये 3% ऊपर है। बजाज फिनसर्व भी उसी कैटेगरी में आता है, इनके पास भी कुछ इसी तरह का बिजनेस है। जरा देख के बताइए प्रशांत जी, इन दोनों ट्रेड में क्या किया जाए। तो डिपी जी अगर हम ICICI प्रू की बात करें तो 610-615 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि मोमेंटम वॉल्यूम के साथ बना हुआ है और वॉल्यूम अच्छा पिकअप हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 592-593 के आसपास स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग ट्रेंड लेना चाहिए। टारगेट वन आपका रेजिस्टेंस रखेंगे, वो टारगेट एक्चुअली एक रेजिस्टेंस 615, ये आने पे आपको सबसे पहले काम करना है कि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लाइए 605 के ऊपर, और अगर 615 क्रॉस हो जाए तो आपका जो टारगेट वन होगा वो 630 का होगा, 630। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 625-30 का टारगेट और 592 का स्टॉप लॉस, ये हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जहां तक बजाज फिनसर्व की बात है तो ये काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा है और अब रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, बट इसकी अहम बात ये कि इसका बेस बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक्युमुलेशन टू बाय दोनों चीजें कर सकते हो, और 1600-1610 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉप लॉस रखिए 1565, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 1665, उसके ऊपर ये स्टॉक 1700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों ही स्टॉक स्ट्रांग है, बाय किए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पे आपने रेट दे दिया, दोनों स्टॉक्स का आपने स्टॉप लॉस दे दिया, दोनों स्टॉक्स पे आपने अपनी कन्विक्शन दे दी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों शेयर्स देखे जा सकते हैं।
ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस के ज्यादातर स्टॉक्स तेज हैं और आज वो अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छा पेश आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इनके अंदर वॉलेटिलिटी यानी कि जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसलिए मैं फिर से वही चीज़ वापस से रिपीट कर देता हूँ कि आपको वॉल्यूम कम रखना है, आप ट्रेड लें उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, आप शॉर्ट करें उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, लेकिन जो भी करें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक अपने टफ जोन से, लंबे कंसोलिडेशन वाले जोन से निकल रहा है, इसलिए जो करें वो कम वॉल्यूम के साथ करें। बजाज फिनसर्व आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए, आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़े, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी सर से पता कर लेते हैं। पहला है गेल, दूसरा है वोल्टास। प्रशांत जी दोनों देख लीजिए, गेल और वोल्टास। तो डीपी जी दोनों को कंपेयर करें तो एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि वोल्टास जो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो और इसमें जो दो दिनों पहले वॉल्यूम थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे, फिर जो शुक्रवार को बिकवाली आई वो वॉल्यूम कम है, तो मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन 1090-1095 के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1080-1080, यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 1125 का, 1125 जो कि रेंज के ऊपरी लेवल है, मुझे लग रहा है ये रेंज के ऊपरी लेवल को डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है, तो वो हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है गेल, ये थोड़ा 20 दिनों के एवरेज के आसपास आया है जो कि 180 पे हो रही है, तो यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहिए थोड़ा वेट कीजिए, और 181 के ऊपर कंडीशनल बाय, अभी हम 179 पे जस्ट 2 पॉइंट यानी 1% अवे, 181 के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 176, और वहां से टारगेट रखिए 192 से लेके 190 के बीच में, सो बाय अबाउ 181। सर दो शेयर हमने निकाले, फर्स्ट इज डिविस लैब, एक तो ये वीक रहा है, और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है, GCPL, जिसको हम गोदरेज CP के नाम से भी जानते हैं। एक बार सर दोनों को चेक कर लो आप, इन दोनों में कहीं कोई मंदी के सिग्नल है क्या, जरा चेक कीजिए। तो डिम्पी जी सबसे पहले अगर गोदरेज CP को देखूं तो स्ट्रक्चर बहुत वीक हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड क्यों नहीं है, क्योंकि हम अगर परसों का हाई भी रखने जाए तो बहुत दूर है, तो मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका 1185 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बट अगर मैं डिविज लैब को देखूं तो ये एक सपोर्ट ब्रेक करने को है, जो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, वो सपोर्ट होगा जो आज का लो बना है करीबन 3375 एग्जैक्टली, और उसके 4-5 पॉइंट नीचे 3370। बट यहाँ मुझे लग रहा है क्योंकि 2 दिनों बाद एक्सपायरी है, तो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के जरिए इसको हम एक प्रीएम्प्ट करके ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे रिस्क बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसका जो 3350 पुट की स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है, जो इसी महीने की जो 10 रुपए चल रही करीबन, इसको आप 2 दिनों के लिए कोशिश कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो शायद यहाँ पे एक मोमेंटम फॉल आ सकता है और ये पुट आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो इसमें कोई स्टॉप लॉस रखने लायक है नहीं, हार्डली 10 रुपए की है, तो ये होगा अगर ऑप्शन से ट्रेड करना है। बट अगर इसको नॉर्मल अगर ट्रेडिंग रेंज चाहिए तो ये आज के लो के नीचे यानी 3375 को अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आ सकता है। सो सेल बिलो 3375, स्टॉप लॉस रखेंगे 3415 के आसपास, 3475-3415 करीबन 1% रिस्क होगी, और यहाँ से आपका टारगेट स्ट्रेट होगा। अगर 3375 ब्रेक हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 3325 का से लेके 3300 तक। ओवरऑल इस स्टॉक के लिए 3375 3375 एक मेक और ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली इस लेवल को वॉच कीजिए। ठीक है, डन सर, नोटिस कर लिया हमने, आपने जो भी ट्रेड बताया अभी छप के सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, जब तक आप उसको चेक कर लो इतने में प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। एक है पावर ग्रिड और दूसरा है अल्ट्रा टेक सीमेंट, दोनों शेयर हैं सर अनवाइंडिंग के, एक है पावर ग्रिड दूसरा है अल्ट्रा टेक सीमेंट। तो डीपी जी अगर हम पावर ग्रिड को देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चौपिनेस है, बस एक वहां पे बहुत बड़ा गैप सपोर्ट है, वह सपोर्ट होगा करीबन 265 से लेके 268 के बीच में, तो यहाँ अगर कोई लेना चाहे तो एक लॉन्ग का ही अटेम्प्ट करना चाहिए, हालांकि अनवाइंडिंग है बट मुझे लग रहा है यहाँ एक अटेम्प्ट करना हो तो लॉन्ग का कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 264-265 के नीचे जो कि गैप सपोर्ट है, वहां से आपको टारगेट मिलना चाहिए करीबन 280 का जो कि ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज है, तो एक 1:2 डिसेंट ट्रेड प्लान हो सकती है। और अगर मैं अल्ट्राटेक को देखूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है बट वीकनेस डेफिनेटली स्ट्रक्चर में, बट मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है सर, हमने आपसे सिलेक्टिव शेयर्स ही ले रहे हैं, आप जरा अपने ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता देंगे, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है?
डीपी जी दो स्टॉक होंगे, एक होगा इपका लैब्स, ये 1200 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे 1185 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट रखेंगे 1275 का। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है एक अपोलो टायर में अगर रैली आए स्पॉट 472-474 इस जोन में अगर स्पॉट आए तो एक शॉर्ट करना चाहिए, जस्ट 5.6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 479 आपका स्टॉप लॉस होगा और 460 का टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है सर, एक ही ट्रेड दे रहे हो अपोलो टायर, क्यों दूसरा सौदा भी है, कोई ऑप्शंस का भी कोई ट्रेड है तो वो भी बता दो सर। नहीं, पहला मेरा इपका लैब्स था जहाँ पे स्टॉप लॉस है 1185, टारगेट होगा 1275 का, और नेक्स्ट पिक अपोलो टायर्स पे शॉर्ट ट्रेड होगी जहाँ पे 472-474 इस जोन में शॉर्ट करना होगा, स्टॉप लॉस रखेंगे 479 का, टारगेट होगा 460-460 का। ठीक है सर, मैंने आपके दोनों शेयर्स तो नोट कर लिए, मैं पूछ रहा था कि कोई शॉर्ट का कोई दूसरा शेयर है तो वो भी बता दीजिए, अगर कोई ऑप्शंस का सौदा भी पेंडिंग है आपका तो वो भी बता दीजिए। ये दोनों शेयर्स मैंने नोटिस हैं, अपोलो टायर्स और इपका लैब, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो वो बता दो फिर। तो डिंपी जी एक्चुअली क्योंकि दो दिनों में एक्सपायरी है तो नॉर्मली अगर स्टॉक ऑप्शन देखने जाए तो वहां पे सारे ब्रोकर्स अलाउ करते नहीं है और मंथली प्रीमियम्स हाई है तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ओके ठीक है, थोड़ा आप इसको अवॉइड कर रहे हैं और दूसरा सिलेक्टिव शेयर्स के अंदर हम ट्रेड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपके सामने। सभी के सभी सौदे वापस आप नोट कर लीजिएगा प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।